फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं आज वाल के सपोर्ट से आपको तीन योगा अभ्यास करके बताऊंगी। मैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो आपको बहुत ज्यादा आपको मजबूती देंगी, आपकी पेल्विक को, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, और आपके पैर पतले करने में आपकी मदद करेंगी। देखिए, जिनके पतले ही उनके पैर टोन होंगे, शेप में आएंगे, आपके हिप्स ठीक होगा, आपकी टमी जाएगी, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। आपके पैरों को मजबूती मिलेगी, उनके टिश्यूज मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे, जिससे उनमें ताकत आएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। देखिए, आप सोच भी नहीं सकते, घर में सिर्फ वाल के सपोर्ट से आप इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इतना अच्छा योगा कर सकते हैं, और आपसे वैसे फ्रीली नहीं होगा वो चीज, आप दीवार के सपोर्ट से बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, विपरीत करणी आसन बहुत अच्छा है। देखिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके पैरों में किसी भी प्रकार के दर्द के लिए, देखिए आप ऐसे करके लेट जाइए, हिप को दीवार से लगा लीजिए और सीधे दोनों पैरों को ऊपर कर लीजिए। देखिए, बहुत अच्छा आसन है विपरीत करणी आसन, लेग्स ऑफ द वॉल पोज, दोनों पंजों को अपने साइड झुकाइए, आपके हिप्स दीवार से टच रहेंगे, बहुत अच्छा। बस इसमें आप लेटे रहिए 5 मिनट 10 मिनट, जितना आपको लेटना है। देखिए, घुटनों के लिए बहुत अच्छा है ये, आपके काफ मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, जो पिंडलियां दर्द करती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, आपकी साइटी का पेन के लिए बहुत अच्छा है, और आपके पैरों को मजबूती देगा ये, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। देखिए, अब इसके बाद सेकेंड आता है बटरफ्लाई। देखिए, बटरफ्लाई लेग्स के साथ बटरफ्लाई, दोनों पैरों को नीचे लाइए, दोनों पैरों का नमस्ते की मुद्रा में जोड़ लीजिए, हाथ आपके सीधे रहेंगे स्ट्रेट दीवार से लगे हुए, और दोनों पैरों को आपको ऐसे 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 हिलाना है। देखिए, इसको आपको कम से कम आधे आधे मिनट करना है, 30-30 सेकेंड, 3 बार 30 सेकेंड कीजिए, 30 सेकेंड, फिर रुक जाइए, 30 सेकेंड का स्टॉप लीजिए, फिर 30 सेकेंड हिलाइए, ऐसे ऐसे दोनों पैरों को आपको ऐसे ऐसे करना है। देखिए, आपके पेल्विक को मजबूती देगा ये, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छा करेगा, आपके थाइस को टोन करेगा, फैट को पिघलाकर उन्हें थाइस को मजबूती देगा, टोन करेगा, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। बस ऐसे ऐसे करते रहिए आप। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए पांव ऊपर रखेंगे पैर और ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे चलाना आपको दोनों साइड में। देखिए, आपके पैरों को बहुत अच्छा शेप देगा, पैरों को बेहतरीन टोन करेगा, पिघलाएगा पैरों की चर्बी। देखिए, किसी की थाइस बहुत फैटी होती है, किसी के घुटनों पे चर्बी आ जाती है, किसी की स्किन लटक जाती है थाइस की, तो ये सारा उन चीजों को ठीक करेगा। अब इसके बाद आती है, देखिए, वन लेग अप पोजीशन। देखिए, इसका नाम तो अलग है, वन लेग ब्रिज लिफ्ट, ब्रिज पोज जो आप ऐसे करके बनाते हैं वो अपने को इससे बनाना है। एक पैर को आप नीचे रख लेंगे, एक पैर को ऊपर रख लेंगे, और आप इस पैर से ऊपर उठेंगे। ये देखिए, ये आपको ऐसा सेतुबंध आसन है, ये दीवार का सपोर्ट लेके। देखिए, सब नहीं कर पाते सेतुबंध आसन, तो आप ये दीवार का सहारा लेके बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी पोजिशन है आपके लेग्स के लिए, आपकी कंप्लीट बॉडी के लिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगी, बहुत अच्छी पोजीशन है। देखिए, इस पैर से कर लीजिए, इस पैर को नीचे रखेंगे स्टिल, इस पैर से आपको दीवार पे टच करके ऊपर उठना है। देखिए, आपको जमीन से इतना ऊपर कम से कम उठना है, एक एक बालिश। इसमें आपको 30 सेकेंड स्टे करना है और दोनों पैरों से आपको 30-30 टाइम्स कर लेना है। अब इसके बाद आता है सपोर्ट से आपको साइड बेंड करना है, जैसे आप स्क्वेट्स लगाते हैं उस टाइप से करना है आपको। देखिए कैसे, आप वॉल के साथ खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को स्क्वेट्स पोजीशन में ले लीजिए और धीरे धीरे से नीचे लाइए। ये देखिए, आपको चेयर पोजीशन लाना है, आप दीवार से टच रहेंगे पूरा पीछे, आगे से पैर आपके ऐसे रहेंगे, दोनों पंजे साइड में, घुटने साइड में, और आप ऐसे जैसे चेयर पर बैठे हो इस टाइप से आप प्रिटेंड करेंगे।
दीवार से टच करके। इसमें भी आपको 30 सेकंड स्थिर करना है फ्रेंड्स। ये पैरों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है, हाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा है और घुटने दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए आपको नी पेन अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी पोजीशन है, और अगर नी पेन होता है तो फिर ये ना करें लास्ट वाली। तो फ्रेंड्स ये आपको कैसी लगी, बहुत अच्छी पोजीशन है सारी, गुड ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपको जो है आपके पांव पैरों को मजबूती देने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपका मोटे पतलों को मोटे पैरों को पतला करने के लिए और थाइस को फिट रखने के लिए, पतला करने के लिए, टोन करने के लिए, ठीक है, आपके हिप मसल्स के लिए, आपके पेट के मसल्स के लिए, और आप कहीं कहीं आपका शोल्डर भी वर्क कर रहा तो शोल्डर को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, पीठ को मजबूती देंगे, आपके बैक बोन को। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा आसन है, 4-5 मैंने आपको बताए हैं, तो ये कीजिए। मेरी चैनल को फ्रेंड्स टाइम दीजिए, थोड़ा सा पूरी पूरी वीडियो देखा कीजिए आप लोग, क्योंकि पूरी वीडियो में ही आपको देखने को मिलता है, एंड तक जरूर देखें। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।